हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। जैसे कि आप देख ही सकते हो, हम तीनों बैठ चुके हैं बेड पे। ये है एशलिन और इसकी बुआ का बेटा। तो ये दोनों बांध रहे राखी, तो इनकी राखी तो मैं ही बांधूंगी। और ऑलरेडी वो पहले ही हाथ आगे करके बैठ चुके हैं, इसने अपनी राखी पहले सेलेक्ट कर ली। और मेरी बेटी बोल रही है भैया को जल्दी से राखी बांधो। तो मैं ऐसे कह रही थी ठीक है मैं बांध दूंगी, आप वेट करो। तो मैंने इसका ना हाथ लगवाया राखी को, क्योंकि इसको बांध नहीं आती थी। तो इसका डोरेमोन ये मैंने लगा दिया इसको, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मेरी बेटी पूरी बता रही है अपने पापा को कि मैंने भैया की राखी बांध दी है। और ना इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि क्योंकि अब ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है ना, पहले छोटी थी, तो इसको इतना पता नहीं चल पा रहा था कि रक्षाबंधन होती क्या है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा ना पता लगने लग गया, क्योंकि 3 साल की होने वाली है। तो ये है धागा। हमारे यहाँ पे ना राखी के साथ भाई को एक धागा भी बांधते हैं। आपके ये सब ऐसे मतलब राखी के साथ धागा बांधते हैं या नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मैंने इसका बांध दिया जल्दी से धागा। और टिक्का तो मैंने इसी से लगवाया था, तो मैंने इसको ना चॉकलेट ओपन करके दी कि आप भैया को खिलाओ। तो इसने खिला दी और वो ना अपनी चॉकलेट आराम से खाने लग गया। और उसकी मम्मा उसको कह रही है तू भी इसको खिला दे। तो उसने से थोड़ी सी खिलाई और हम सब ना क्लैप करने लग गए कि चलो इनका रक्षाबंधन तो हो गया। तो साथ में इसकी मम्मा लेके बैठे थे इसका शगुन और इसका गिफ्ट। तो इसने जैसे ही गिफ्ट और अपने शगुन लिया ना, इसे फटाफट मेरे पास पकड़ा दी कि देखो मैंने भी आराम से पकड़ा दिया। बाद में इसे ना मैंने दोबारा शगुन पकड़ाया, मैंने कहा फ़ोटो खिंचवा लो। और यहाँ पे इसके पापा खींच रहे थे फ़ोटो, पीछे खड़ी गई एशलिन की पुई। तो यहाँ पे ना बाद में हमारा नंबर लग गया। तो ये देखो अपनी चॉकलेट्स खा रहा है, और ना ये साथ में ना कैमरे की तरफ देख के व्लॉग कर रहा, हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग, ऐसे कर रहा था। और वो देखो पीछे आ चुका है हमारी दीदी का भी शगुन और सूट। और ये आ गई मैं और मेरे हस्बैंड, अब हमारी राखी बांधी जाएगी। तो हम अब यहाँ पे लग रहे टिक्के टुक्के से, और दीदी पहले उसकी अब मेरे हस्बैंड की राखी बांधेगी और देन मेरी। तो ना यहाँ पे ना मेरा कैमरा ना सही नहीं था, तो देखो कि अभी ना मेरा फेस इसमें आ नहीं रहा है। तो ना हमने ना साथ में जीजू को बुलाया था वहीं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो ना बाद वो देखो आ चुके हैं। तो ये ना मेरा भांजा इनसे, सॉरी भतीजा है ना, तो ये ना अपने पापा को कह रहा था चॉकलेट खानी है, उन्होंने मना कर दिया। तो इसका ना मुंह बन गया, कहता नहीं मुझे चॉकलेट खानी है। और वहाँ पे ना एशलिन भी चॉकलेट्स मांग रही थी, तो ना उसको भी चॉकलेट दे दी। ये इसकी दादी ने इसको चॉकलेट पकड़ा दी। तो ना अभी ये मेरे को बोलेगी मम्मा खोल के दो, ये पहले अपने भैया को बोल रही थी, तो वो अपने में बिजी हुआ पड़ा था। देन फिर मैं राखी खोल के दे रही थी निकाल के, कि चलो हेल्प हो जाएगी, जल्दी जल्दी राखी का काम निपटेगा। क्योंकि इसके बाद मैंने भी अपने घर जाना था राखी बांधने अपनी भाभी को, और अपने मम्मा पापा को भी मैं राखी बांधती हूँ। तो ये मैंने इसको ओपन करके दे दूँगी अभी चॉकलेट। हाँ ये देखो इसने मेरे को चॉकलेट पकड़ाई, कहती मम्मा ओपन करो। तो अब ये क्लैप करने लगेगी, मुझे भी चॉकलेट खाने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं इसे ना चॉकलेट्स बहुत कम देती हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटी है। तो ये हो चुका है राखी का, अब लगेगा मेरा नंबर। ये देखो अभी मेरा ना सिर्फ हाथ आधे दिख रहा है, मेरा फेस नहीं आएगा। तो ना सब बाद में ना जीजू मेरी तरफ ना धीरे धीरे टर्न करेंगे, फिर मेरा फेस दिखना स्टार्ट होगा। और ना मुझे सीरियसली नहीं पता था कि कब, मुझे पता ही नहीं चला कि जीजू ने कब मेरी तरफ टर्न कर दिया कैमरा। तो ये देखो राखी बन चुकी है मेरी, अब मेरा धीरे धीरे ये देखो हो गया मेरी तरफ टर्न। और मैंने जाके एक बार चेक भी नहीं किया कि कैमरा सही भी है कि नहीं। तो मैं एशली और इन्होंने एशली को भी आगे कर दिया, खुद तो कैमरे में ही आते नहीं है जीजू। तो इसलिए बस अब ये खिलाया हमें मीठा, और हमने दीदी को ना मीठा ही नहीं खिलाया। और यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा यम्मी, मैंने कहा हाँ हाँ यम्मी है। और साथ में अब हम एक करवाएंगे पिक्चर क्लिक, तो अभी जीजू हमारी कैमरामैन बने हुए हैं, तो वो हमारी पिक्चर क्लिक करेंगे। और ये हो गए सारे इकट्ठे, अभी बच्चों को भी हम अपने पास लेंगे वहाँ पे देखने के लिए। उनसे बोल रही हो देखो, और अभी ये ना ये पोज भी देगी कि हाँ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। लो होगी हमारे सबकी फ़ोटो। तो अब मुझे जाना है साथ अपने घर पे, तो मैं पहुँचूँगी अपने घर पे मम्मी के, ये बैठी मेरी भाभी। और अब पहले मैं बांधूंगी इसको राखी। मतलब हमारे में ना लुम्बा बांधते हैं अपनी भाभियों को ना, तो मैं ना दो लुम्बे लाई थी, एक मेरी सिस्टर की तरफ से और एक मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर दोनों दुबई में है। तो मेरी मेरी जो ब्रदर की राखी है ना, वो मेरी सिस्टर बांधेगी मेरी तरफ से भी और खुद की तरफ से भी। तो ये मैंने पहले बांधा अपनी बहन की तरफ से लुम्बा, एंड मुँह मीठा करवाया। और इसके बाद मैं बांधूंगी अपनी तरफ से। और ये जो जूम इन जूम आउट कर रही है मेरा भांजा है। तो ये लो अब मैं दोबारा टिक्का लगा रही हूँ कि पहले मेरी बहन का हो चुका है, अब मेरी बारी, क्योंकि हमारे में पहले बड़ी बहन बांधती है राखी, देन छोटी बहन। तो अब ये मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बांध रही हूँ लूम्बा,
एंड इसको मैंने दो दो बार मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे हो गया हमारा रक्षा, ये मतलब राखी का हो गया, और यहाँ पे हम ना साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे। तो ये हो गया मिठाई। अब ये मुझे दो बार खिलाएगी, एक बार ये, दो बार ये, कहती है एक आपके, एक आपका और एक दीदी का। तो यहाँ पे बारी आई हवीश और एशलिन की फ़ोटो की, और सॉरी राखी की। तो एशलिन मुझे बता रही थी कि मुझे ना भैया ने मारा, तो मैंने इन्हें डांटा कि आज के दिन तो मत लड़ो, डेली ये ना लड़ते रहते हैं। तो मैंने इससे टीका लगवाया पहले, और ये देखो मैं इसकी फिंगर पकड़ के ना इसकी टिक्का लगवा रही हूँ, और ना राइस भी मतलब चावल के दाने भी हम लगाते हैं, तो ये लग गया इसका टिक्का। तो अब इसके बाद मैं कर रही हूँ इसकी राखी ओपन। तो ये पहले कह रही थी मेरे हाथ साफ कर दो इसके बाद राखी बांधना, क्योंकि थोड़ा सा ये चंदन का टिक्का था तो इसलिए दिख नहीं रहा, वाइट वाइट दिख रहा होगा थोड़ा सा हवीश के सर पे लगा हुआ। तो मैंने इसकी ना राखी खोल दी अब, और ये इसकी थी कृष्णा वाली राखी। तो मैंने ना सबके लिए अलग अलग, सबके अलग अलग डिमांड थी, तो इसके लिए कृष्णा वाली थी, दूसरे के लिए डोरीमोन था, और यहाँ पे आइशलिन हविश को कह रही है मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाओ, और वो पोज दे रही है, उसको नहीं पता कि वीडियो बन रही है। वो इतनी डिसेंटली वो देखो पोज दे रही है फिर से कि फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा भाई फ़ोटो बाद में खींचेंगे, पहले राखी बांधो भैया को। भैया का हाथ देखो कैसे पकड़ा उसने, हविश से ना बहुत प्यार करती है। तो अभी इसका मैंने बांधा राखी अच्छी तरह से, और ये बस हाथ लगा देती है क्योंकि छोटी है, इसको नोट बांधना नहीं आता। जब बड़ी हो जाएगी मे भी नेक्स्ट ईयर ये खुद से राखी बांध देगी, बाकी मुझे पता भी नहीं। तो यहाँ पे राखी बांधी, फिर इसके बाद हम बांधेंगे धागा। और ऐशलिन बड़े ध्यान ध्यान से देख रही थी कि क्या लगा हुआ है। अब आया धागा, तो वो हाथ पकड़ के रखा हुआ उसने कि हाँ हम इसके राखी बांधेंगे। ये बांध रहे इसके राखी, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद ना हमने घर भी वापस जाना था, और राखी का हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद ना इसने इसके इसे गिफ्ट दिया था शगुन और एक चॉकलेट का बॉक्स, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैंने एशलिन को कहा अब आप मिठाई खिलाओ भैया को, तो इसने देखो कैसे मिठाई खिलाई, और अब हबीश भी इसे खिलाएगा, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब हम आगे घर, घर आते हुए होगी बहुत तेज़ बारिश, बट मौसम अच्छा हो चुका था। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर, और जाते जाते एशलिन सो गई थी क्योंकि सुबह की 6 बजे से उठी हुई थी। और अभी हमारा होता है यहाँ पे व्लॉग एंड, क्योंकि अब हम घर पहुँच गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बाय।